हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, यह कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। यह हमारा एक पैनल, ये हमारी एक आर्म हार्ड डिस्क की, इसे हम आर्म बोलते हैं। दोस्तों, यह आगे जो पिन है इसे हम बोलते हैं हेड, कि मीन्स जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को रीड करता है। दोस्तों, यह हेड हमारा रोटेट हो सकता है। एंड ये सीडी की तरह एक डिवाइस लगी है अंदर, इसे हम प्लेटर बोलते हैं। दोस्तों, हमारा सारा डेटा यहीं स्टोर होता है। ये प्लेटर हमारी राउंड राउंड रोटेट कर सकती है। ये जो गोल पिन है दोस्तों, इसे हम स्पिंडल बोलते हैं, जिस पर यह हार्ड डिस्क रोटेट होती है। हार्ड डिस्क रोटेट होती है एंड हेड हमारा मूव करके सारे डेटा को रीड कर सकता है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।